रोज विटामिन ई का एक कैप्सूल खाओ, आपके सेक्स में और बॉडी में ऐसे बदलाव आएंगे आप देखते रह जाएंगे। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। विटामिन ए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो शरीर के लिए आवश्यक है। इसमें अल्फा टोकोफेरॉल नाम का कंपाउंड है। विटामिन ई बहुत सारे खाने में भी है, विटामिन की कैप्सूल भी मिलती है, और विटामिन ई की कमजोरी से या कम लेवल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं। तो हम देखेंगे कि विटामिन ए कहाँ कहाँ काम में आता है हमारे बॉडी में। तो नंबर एक है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में विटामिन ई काम में आता है। क्या होता है कि हमारे सेल में, कोशिकाओं में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं जो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, तो उनको कम करने का काम विटामिन ई करता है। मतलब ये एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी उसको है, एंटी ऑक्सीडेंट करके वापरा जा सकता है। स्किन प्रॉब्लम के लिए विटामिन ए बहुत काम का है। स्किन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में विटामिन ई, वो क्रीम रहो या टैबलेट रहो, उसमें विटामिन ई रहता है। वैसे विटामिन ई हार्ट और किडनी प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत काम का है। नंबर दो, हार्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो इसको हेल्दी रखने में विटामिन ई काम में आता है। विटामिन ई बैड कोलेस्ट्रॉल जो अपने शरीर में तैयार होता है उसकी लेवल कम करता है और इसलिए हार्ट हेल्दी रहता है। नंबर तीन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ये कम करने में विटामिन ई कारगर है। एक तो ये होने देंगा नहीं और हुआ तो कम कर देंगे। क्या होता है कि अल्कोहल से फैटी लीवर होता है, कुछ लोगों को बिना शराब का भी फैटी लीवर होता है, तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में बहुत ज़्यादा काम ये आता है। नंबर पाँच, जैसा मैंने पहले बताया, स्किन प्रॉब्लम में ये काम में आता है क्योंकि स्किन कोलेजन ये बढ़ाता है, जिससे स्किन की कंडीशन अच्छी हो जाती है, स्किन चमकदार बन जाती है, स्किन की एलर्जी कम हो जाती है और स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत सारे कम हो जाते हैं। स्किन आपके लिए दिखती है और आप बूढ़े दिखेंगे नहीं, आपकी एज कम दिखेंगी। नंबर छः, विटामिन ई आपका एज की बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम कर देगा। आपका वैसा एज बढ़ता जाएगा मगर दिखेंगे आप कम उम्र के, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, फिटनेस अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ कम रखने में, मतलब बॉडीली जो फिजिकल हेल्थ है वो कम रखने में फ़ायदेमंद होगा। नंबर सात, आपके जो जॉइंट्स है, जोड़, उसका इन्फ्लेमेशन कम करना और उसको फिट रखने में विटामिन ई बहुत काम में आता है। नंबर नौ, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, जैसा अटेंशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, मेमोरी है, इसके लिए विटामिन ई बहुत कारगर है और कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत अच्छे रहते हैं, व्यक्ति अलर्ट, एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक रह सकता है। नंबर नौ, विटामिन ई फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। पोल्यूशन की वजह से फेफड़े खराब हो जाते हैं। लंग्स स्ट्रांग करने में विटामिन ई काम का है, अस्थमा ये कम कर देता है। नंबर दस, विटामिन ई हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ा के मतलब प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, जिससे हमको बीमारियां कम होंगी। नंबर 11, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है इनफर्टिलिटी। जिनको बच्चे होते नहीं है उनको विटामिन ई दिया जाता है। क्या है कि अनेक प्रयोग हो गए, अनेक एक्सपेरिमेंट हो गए, कुछ फेवर के थे, कुछ अपोज के थे, मगर देने में क्या नुकसान है विटामिन ई? क्योंकि ऐसा पाया गया है कुछ स्टडी में कि ओम जो है स्त्री बीच और पुरुष बीच स्पर्म, इसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में ये कारगर है। वैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है, शुक्राणु की मात्रा बढ़ जाती है, हेल्दी ब्लड फ्लो होता है पेनिस को और पेनिस स्ट्रांग इरेक्शन उसको आता है, तो विटामिन ई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कारगर साबित हो सकता है। अभी ये सब फायदे हमने देखे, अभी हमको देखना है कि ये कहाँ कहाँ है, उपलब्ध है नेचुरली। क्या हमको कैप्सूल लेने की जरूरत है? नॉट नेसेसरी। विटामिन ई जो है ये व्हीट जर्म ऑयल में काफ़ी मात्रा में रहता है। यदि व्हीट जर्म ऑयल आप एक चम्मच भी इस्तेमाल करते हैं या सनफ्लावर सीड जो है उसको भी आप एक चम्मच इस्तेमाल करते, आपको काफ़ी सारा विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलेगा। वैसे विटामिन ई नट्स में बादाम, मूंगफली, पालक, टमाटर, ब्रोकली, कीवी, मैंगो, एवोकेडो,
इसमें सभी इसमें अच्छी मात्रा में रहता है और आप ये इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आपको कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। मगर ये सब नहीं मिलता है और तभी भी आपको लगता है ऐसा, तो विटामिन ई की कैप्सूल आती है 400 मिलीग्राम, वो आप एक बार या दो बार ले सकते हैं दिन में, और वो अलग अलग नाम से मार्केट में उपलब्ध है। विटामिन ई अनेक स्टडीज में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए अच्छा पाया गया। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जैसा सोने के पहले लोगों को ऐसे पैर बेचैन हो जाते, ऐसे झटके मारना पड़ता पैर, और झटके मारते पैर को, वो नींद नहीं आती और झटका लगता है पैर को, और पैर हिलाना पड़ता है, पैर हिलाया तो अच्छा लगता है। ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है उसमें विटामिन ई कारगर साबित पाया गया। और वैसे ही आर्टरीज और वेन्स जो है, मतलब रक्तवाहिका है, यदि उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है या उनके वॉल्स खराब हुए हैं तो विटामिन ई उसमें भी काम में आ सकता है। इस विटामिन के बहुत सारे फायदे अलग अलग फूड पार्टिकल्स में वो है, उसके कैप्सूल उपलब्ध है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। विटामिन ई फैट सोल्युबल विटामिन है, इसलिए बॉडी में जमा हो जाता है और वेट गेन के चांसेस उसमें फिर बढ़ जाते हैं, तो मोटे लोग जो है उन्होंने नहीं लेना चाहिए और 3 महीने के ऊपर आपने कंटिन्यूसली नहीं लेना चाहिए। एंटीकोएगुलेंट यदि आप ले रहे हैं, खून पतला होने की दवाई, तो विटामिन ई डालना चाहिए, और वैसे ही बच्चों में और प्रेगनेंसी में विटामिन ई डालना चाहिए। जो नेचुरल मिलता है वो ठीक है, विटामिन की कैप्सूल नहीं लेना है बाहर से। तो ये है विटामिन ई के बारे में। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेंगी, सभी कंडीशन यदि फिजिकली आप हेल्दी है तो डेफिनेटली आप एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक रहेंगे, आपके मानसिक स्थिति ठीक है, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, नेचुरली सेक्स भी आप एंजॉय कर सकोगे, क्योंकि सेक्स एंजॉय नहीं करने का प्रमुख कारण है कि आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं है, और सेक्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो आप फिजिकली मेंटली फिट है, सेक्स में भी फिट हो जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।